बिलासपुर के कोने स्थित कुक्कुट पालन केंद्र में ठंड को देखते हुए चूजों का ख्याल रखा जा रहा है। दोपहर और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है, यही वजह है रात को लाइट ज्यादा रखी जाती है जिससे चूजे जिंदा रह सके और इससे कोई नुकसान न हो। आपको बता दें, प्रबंधक आर के गुप्ता ने बताया कि किसानों को भी सलाह दी जाती है कि चूजों को सही तरीके से रखें और उसका देखभाल करें। चूंकि ठंड की दस्तक हो चुकी है और ठंड के कारण चूजों के मरने की संख्या ज्यादा रहती है, जिसके कारण चूजों के अलावा किसानों को भी परेशानी होती है, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। वहीं प्रबंधक ने यह भी कहा, चूंकि मौसम के बदलने से सर्दी खांसी और बीमार पड़ने से मौत होने लगती है, इसलिए इसका ज्यादा रखरखाव किया जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, ठंडी की अब शुरुआत हो गई है और ठंडी की शुरुआत जैसे ही होती है तो उसमें थोड़ी सी अलग टाइप की दिक्कत होती है। जैसे क्या होता है कि दिन में जो है ना थोड़ा सा तापमान ज़्यादा रहता है और शाम को उतना ही तापमान गिर जाता है और वही छः बजे सात बजे तक ठंडा रहता है, फिर दोपहर में गर्म हो जाता है। तो हम लोगों को दो प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। रात में थोड़ा सा मैनेजमेंट अलग रहता है, जैसे लाइट वगैरह ज़्यादा जला दिए, लाइट को जो वो रहता है लाइट का वो उसको नीचे कर देते हैं रात में, ऐसा व्यवस्था जिससे तापमान थोड़ा सा अच्छा रहे। और दिन में उसी चीज़ को अपन फिर से उल्टा करते हैं कि उसको ऊपर उठा देते हैं जिससे तापमान थोड़ा सा जो बढ़ गया है वो नॉर्मल बना रहे, क्योंकि वायुमंडल का जो वातावरण का तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस हिसाब से करते हैं। और चूजों के रख रखाव के लिए वही जो खिड़कियों में पर्दे लगाना और ज़्यादा डायरेक्ट हवा ना अंदर आए, ये सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। और थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता है, चूजे छुपे बहुत नाजुक होते हैं तो इनके लिए हम थोड़ा सा एंटीबायोटिक है और मल्टीविटामिन है, लीवर टॉनिक है, ये सब चीज़ें आवश्यकता के हिसाब से देनी पड़ती है, देते हैं हम लोग और कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों को अपने जो हमारे जो इस प्रोफेशन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी अभी जो पक्षियों का जो पालन कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं, चिक्स हैं, चूजे हैं, उनके लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी रखें, विशेष ध्यान रखें, नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और वो एक बार शुरुआत हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां, फिर सर्दी जुकाम से लेके और फिर कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होती, जो फ़ायदा हमको होना होता वो नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन नहीं आता है, ग्रोथ नहीं होती, अंडे नहीं मिलेंगे बड़े हो जाने पर। तो हमको ये सब चीज़ों में छोटे पे ही ध्यान रखना है, खासतौर से अभी जो चेंज हुआ है, जब लगातार तापमान दिन और रात बराबर जब ठंडा रहता है उस समय फिर तापमान में क्या है कि रात में जैसा रहता है वैसे दिन में अपने को टेम्परेचर अंदर 37 डिग्री मेंटेन करना होता है, वो हम मेंटेन करते हैं। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।